इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। बड़वानी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधियों के तहत आज खेतिया के हाट बाजार में ईवीएम का प्रदर्शन किया गया। बाजार करने पहुंचे अनेक लोगों ने ईवीएम मशीन का बटन दबाया व वीवीपैट में आई पर्ची से अपने किए गए वोट का मिलान किया। स्वीप गतिविधियों के तहत शहर के टैगोर चौक पर जब ईवीएम का प्रदर्शन हुआ तो भारी भीड़ वहां एकत्रित हो गई, जिन्हें नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया ने जानकारी देते हुए अपने किए वोट को लेकर वीवीपैट में भी दिखाया। इस दौरान वहां पान सेमल अनुविभागीय अधिकारी श्री रमेश चंद्र सिसोदिया, नायब तहसीलदार श्री सुनील सिसोदिया, नगर पंचायत कर्मचारी, ईवीएम प्रदर्शित करने वाले कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। हाट बाजार का दिन होने से लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों ने ईवीएम पर वोट डालकर देखा। वहीं वीवीपैट से आई पर्ची भी उन्होंने देखी। शहर में बने मतदान केंद्रों पर बीएलओ नियमित रूप से बैठे रही है, जहां मतदाता सूची है अपना नाम देखने आ रही है। अधिक से अधिक 100% हो मतदान की भावनाओं को लेकर बड़वानी जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल कटिंग के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज स्वीप गतिविधियों का संचालन क्या शहर में भी हुआ। जी सर, भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से शासन के निर्देशानुसार ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदाताओं को जागरूकता। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।